नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन स्वागत करता हूँ आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। इंडिया में रह के इंडिया का कौन सा एक्सचेंज यूज करें जहाँ पे हमारा फंड सेफ और सिक्योर रहे, एक्सचेंज के माध्यम से लिक्विडिटी सही हो, वॉल्यूम सही आ रहा हो, ट्रांसपेरेंस नाम का 100% हो, ताकि हम सही तरीके से ट्रेडिंग कर पाए। तो आज की वीडियो दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडिया बेस्ड टॉप 5 to 6 एक्सचेंज, सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे किन में क्या फैसिलिटी है और कौन सा बेहतर होगा आपके लिए। सभी को पारदर्शित करूंगा आपके सामने खुलेआम, और उसके बाद आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि सब में से बेस्ट हमारे लिए कौन हो सकता है फर्दर फ्यूचर के लिए, अगर हम इंडिया में रहकर ट्रेडिंग करते हैं तो। रीजन क्या दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्रिप्टो पे कई सारे रूल एंड रेगुलेशन ला के थोप दिया गया है, क्रिप्टो टैक्स, TDS, उसके बाद दोस्तों FIU रजिस्ट्रेशन और PML एक्ट के तहत सभी को आना है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग इन सब चीजों से बच सके। तो हर चीजों को आपको देखते हुए वैसे एक्सचेंज पे जाना, ताकि आप सही तरीके से ट्रेडिंग कर पाएं और लॉन्ग लास्टिंग रह पाएं क्रिप्टो मार्केट में, और आपका फंड भी बिल्कुल सेफ और सिक्योर रह पाए। ओके, तो जैसे दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया बेस्ड, आज के डेट में बहुत सारे एक्सचेंज मार्केट में आ चुका है। ओके, जैसे हम बात करेंगे, जैसे आपका क्वाइन DCX हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे BitBNS हो गया, या फिर हम वजीरेक्स की बात कर ले, या फिर आपका क्वाइन स्विच हो गया, या फिर दोस्तों जियोटेक हो गया, या फिर दोस्तों आपका बाय यूनो हो गया, या फिर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे जेप्पा हो गया। इस तरह से मतलब देखा जाए तो इंडिया में भी बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट में है, लेकिन हमारे लिए कौन सा सही होगा? तो देखिए, अभी आपके जुबान पे क्वाइन DCX, क्वाइन स्विच और वजीरेक्स, ये तीन का नाम अधिकतर आता होगा, और मोस्टली यूजर्स ये 3 एक्सचेंज को यूज करते होंगे। ओके, तो चलिए हम सभी के बारे में एक एक करके कंपेयर करते हैं, उसके बाद आपके सामने खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें किस पे शिफ्ट होना चाहिए अगर इंडिया बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। तो अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्वाइन स्विच, तो क्वाइन स्विच का डेटा फिलहाल अवेलेबल नहीं है हमारे पास। रीजन क्या है, काफी मैं रिसर्च किया हूँ हर एक तरीके से, बट हमें क्वाइन स्विच के माध्यम से वैसा ट्रांसपेरेंस नाम का चीज नहीं दिखा, मतलब इसमें हिडन चीजें हैं, मतलब इसे छुपा के रखा गया है बहुत ऐसे चीजें। ओके, चाहे हम इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर ले, लिक्विडिटी की बात कर ले, या फिर इसके प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात कर ले, तो क्वाइन स्विच के माध्यम से ये चीजें प्रोवाइड नहीं किया गया। ओके, तो हम इस को हम साइड करते हैं। रीजन क्या दोस्तों, ये पहले ही रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि जब तक ट्रांसपेरेंस नाम का चीज नहीं हो, जब तक पारदर्शित ना हो, हम बिलीव क्यों करेंगे। ओके, तो इस चीज को हम पहले साइड करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्सचेंज पे आते हैं, तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं BuyUCoin। ओके, BuyUCoin जो कि इसका हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करेंगे, मात्र 44.45 का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, और इसमें भी नहीं बताया गया है मिलियन में है या फिर बिलियन में। ओके, स्टेटिक्स की बात कर ले तो यहाँ पे वॉल्यूम बाय यहाँ पे शो कर रहा है आपका BTR वर्सेस ANR और PTX वर्सेस INR और आपका डॉज वर्सेस USDT और TCX वर्सेस INR, बस इसी 3-4 क्वाइन में इसका मार्केट पेयर हो रहा है, प्लस वॉल्यूम दोस्तों इसका USDT BDL और VTR PTX 3-4 क्वाइन में इसका वॉल्यूम आ रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्लियर है कि ये जो वॉल्यूम जनरेट किया जा रहा है इनके ही द्वारा जनरेट किया जा रहा है, पब्लिक वॉल्यूम नहीं है। ओके, तो अब हम बाय इनो को भी हम साइड करते हैं। रीजन क्या दोस्तों कि हम इस पे बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मात्र क्वाइन भी 58 ही है 77 पेयर्स में। ओके, इसे भी हम साइड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है जेप्पा। जेप्पा का ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारे पास आता है 16,22,208 क्वाइन, 65 है पेयर, 131 है। बट दोस्तों हम अगर जेप्पा की बात करेंगे तो इसके कई सारे केसेस, क्योंकि जेप्पा ओल्ड एक्सचेंज है, मतलब बहुत पुराना एक्सचेंज है, 2016-17 से ही चलता आ रहा है, लेकिन जब बिटकॉइन इंडिया में बैन हुआ था लास्ट टाइम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें जेप्पा कई लोगों के साथ स्कीम किया है, और उसके बाद दोस्तों जेप्पा अभी भी उस तरह से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ना ही इसका वैसा कुछ ट्रांसपेरेंस चीजें हैं, ना ही इसका प्रूफ ऑफ रिजर्व है, इस वजह से हम जेप्पा को भी निगलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो 3 एक्सचेंज है वो निगलेक्ट हो चुका है ट्रांसपेरेंस के माध्यम से और डेटा प्रोवाइड करने के माध्यम से, रिजर्व और प्रूफ के माध्यम से। अब हम बात करते हैं, ये 3 हो गया, अब हम आ जाते हैं आप BitVNS। तो BitVNS का इतना गंदा सर्विस है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सर्च करेंगे ट्विटर पे सिर्फ BitVNS
तो इसके लेके बहुत सारे लंबा लंबा चिट्ठा आपको देखने मिलेगा कि सर मेरा 2 साल से 2 लाख रुपए का विड्रॉल्स किए हैं, लेकिन 2 साल से पेंडिंग में है, प्रोसेस में है, कि मतलब जब भी कस्टमर से संपर्क करते हैं तो बताता है कि आपका प्रॉब्लम बहुत जल्द सुलझ हो जाएगा, ये बैंकिंग प्रोसेस है, इतना टाइम लग सकता है। तो क्या 2 साल तक विड्रॉल होने में टाइम लगता है? और कितना लंबा टाइम होता है बैंकिंग प्रोसेस का? तो ऐसे बहुत सारे आपको गंदा तरीके से सर्विसेज इसका देखने मिलेगा। ट्विटर पे आप सर्च कर सकते हैं बिट बिजनेस के बारे में, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि इसका क्या सर्विस है। बाकी बिट बिजनेस का ट्रेडिंग वैल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 लाख समथिंग का है, बट रिजर्व डेटा अनअवेलेबल शो कर रहा है। मतलब दोस्तों इनके द्वारा ट्रांसपेरेंसी नाम का चीजें नहीं है। बाकी इसके ट्विटर तो आप देख ही लिए, नहीं तो आप देख सकते हैं, तो मतलब इससे भी हम रिजेक्ट कर दे, ट्रांसपेरेंसी नाम की चीजें नहीं है, सर्विस बहुत ही गंदा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आता है एक वजीर एक्स की बात करेंगे तो इसका ट्रेडिंग वैल्यूम 37 लाख समथिंग है, 37.5 लाख, और रिजर्व डेटा अनअवेलेबल शो कर रहा है। तो मतलब दोस्तों इसका ट्रेडिंग वैल्यूम भी ठीक ठाक है, बट डेटा के नाम पे कुछ नहीं है। जहाँ तक हम वजीर एक्स के CEO की बात करें, फाउंडर की बात करें, तो आपको पता है कि क्या हाल हो रखा है, मतलब झोली भरना और निकल जाना और फिर नए का तलाश करना। तो सेम दोस्तों वजीर एक्स के साथ ऐसा ही हुआ, वजीर एक्स टोकन्स 400-500 रुपए तक गया, राइट नो हाल देख सकते हैं, जो कि मार्केट इतना अच्छा गया भी तो पर भी ऐसा कुछ हमें नहीं देखने मिला। वजीर एक्स में दोस्तों पहले की तरह सपोर्ट सर्विसेज नहीं रहा जैसा दोस्तों लास्ट बोल्डर में था। तो हम अगर लॉन्ग टर्म ट्रांसपेरेंसी के साथ जाना चाहते हैं तो हम इसे भी इग्नोर कर सकते हैं, रीजन क्या दोस्तों बहुत सारे पंगा इसमें भी। अब हमारे पास आता है एक CoinDCX, तो CoinDCX का ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करेंगे तो 80 लाख समथिंग इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उसका टोटल एसेट है इसका शो कर रहा है दोस्तों, मतलब ट्रांसपेरेंस नाम के चीज़ इस पे 100% है, रिजर्व प्रूफ भी इसके शो कर रहा है। क्वाइन गब्बर पे जाएंगे तो इसका रिजर्व प्रूफ भी शो करेगा। CoinDCX की जो खासियत है दोस्तों, देखिए ये भी 2020-21 में मतलब लास्ट बोल्डर में उतना कुछ खास नहीं था, उस समय मतलब ट्रेंड पे था वजीर एक्स, उसमें ट्रेंड पे था क्वाइन स्विच, उसके बाद आपका CoinDCX था, लेकिन बेयर मार्केट में CoinDCX बहुत सारे काम किया है, बहुत सारे फीचर्स लेकर आया है। अगर आप देखेंगे इंडियन एक्सचेंज में तो जो फ्यूचर ट्रेडिंग करवा रहा हो तो सबसे पहला आपका CoinDCX शुरू किया है, इसका UI भी रिसेंट में कई सारे अपडेट किया है, सेपरेट टैब ला दिया है जहाँ से आप फ्यूचर ट्रेडिंग आप करने जाते हैं तब फ्यूचर ट्रेडिंग आप इजी तरीके से कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों यहाँ पे इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आ रहा है, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छा आ रहा है आज की डेट में। ओके ये दोस्तों मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप खुद भी रिसर्च करके ये चीज़ को देख सकते हैं कि अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो CoinDCX आपके सामने पारदर्शी तरीके से ये ट्रेडिंग करवा रहा है, मतलब इसका टोटल एसेट भी आपको शो कर रहा है, कितना इसका लिक्विडिटी है, कितना इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है, इसका कस्टमर सपोर्ट, इसका बैक टू बैक कई सारे यूजर्स के लिए कैंपिंग, प्लस दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग्स आप करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग पे कोई टैक्स नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के साथ साथ यहाँ पे विदाउट टैक्स के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं CoinDCX पे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए तो आप है ही, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं विदाउट टैक्स तो आप CoinDCX पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया के टॉप एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो राइट नो जो कि मतलब ट्रस्टेबल ट्रांसपेरेंसी के साथ मतलब पारदर्शी के साथ जिसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहा और लिक्विडिटी काफ़ी अच्छा हो तभी CoinDCX हमारे सामने आ रहा है। तो आप खुद ब खुद डिसाइड करके जा सकते हैं, मेरे कहने से नहीं दोस्तों, आप खुद भी देखेंगे कि कौन सा एक्सचेंज भी कितना अच्छा रहा है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी एक्सचेंज पर जाने पर सबसे पहले उसका वॉल्यूम किस तरह से आ रहा है, क्या ऑर्गेनिक है, फिर इनऑर्गेनिक है, लिक्विडिटी क्या है और लीगल है या नहीं है, रजिस्टर है या नहीं है इंडिया में, ये कुछ चीज़ों को देखना है, डिपॉजिट विड्रॉल्स को देखना है, फी को देखना, उस सारा चीज़ को देखते हुए उसका फैसिलिटी को देखना तभी आप उस एक्सचेंज पे जाएं। मार्केट में तो आपको देखा जाए तो कम से कम 250+ क्रिप्टो एक्सचेंज है, मतलब इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड 250+ एक्सचेंज है इंडिया में भी दोस्तों, सिर्फ इंडियन 10+ एक्सचेंज होगा सिर्फ इंडिया का। ओके मतलब हाँ रजिस्टर अभी भले ही अदर कंट्री से करा रखा है, सिंगापुर से, दुबई से करा रखा है, लेकिन वो इंडियन है। तो आप ये सब चीज को ध्यान रखते हुए आप जा सकते हैं, बाकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में CoinDCX का, उसके बाद और भी एक्सचेंजेस का, आप जहां पे जाना चाहें आपको मैं सामने रख दिया हूँ, आपको जो सही लगे
उस पर क्लिक करके अकाउंट बना के आप रजिस्टर करके ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आओ, प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।